अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नजीर अहमद लखुंडी, माविन मौलिन, एंग्लो उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल हुबली। सबसे पहले मैं अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर वाराकिन तालीमी बोर्ड के मेम्बरान का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम तमाम असातिज़ा को यूट्यूब के जरिए वीडियो लेसन का इंतज़ाम किए और ये मौका हमें जो है इनायत फरमाए। अच्छा अजीज तलबा तलबात, आज मैं आपको 3 मास के सवालात और 4 मास के सवालात के मुतालिक बताऊंगा। जो भी मैं वीडियो लेसन में बता रहा हूं, आप इसको बगौर सुने समझे और अपनी कापियों में नोट डाउन कर ले। अजीज तलबा तलबात, अगर इसमें कोई डाउट है, न समझ में आए, नीचे दिए गए नंबर पर आप रابطہ कायम कर सकते हैं। अच्छा तो चलिए, तो सबसे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हिस्सा नसर, नज़म, ख़वाइद, मज़मू निगार, मक्तूब निगार, इबारत और जुमला इंशाइया टोटल इस तरह है। असबाक पर मुमनी नशानात की तकसीम, नंबर शुमार, निसाबी मवाद, जुमला निशानात, फीसदवार। अजीज तलबा तलबात, हमारी निसाबी किताब नौ बहारे अदब, इसमें जो है हिस्सा नसर में 34 निशानात हैं, फीसदवार 34 हैं। हिस्सा नज़म 33 निशानात हैं, 33 फीसदवार हैं। और ख़वाइद व इंशाइया 19 फीसद जुमला निशानात, 19 फीसदवार। मज़मून निगारी में 5 जुमला निशानात, 5 फीसदवार। मक्तूब निगारी 5 निशानात और 5 फीसदवार। इबारत 4 जुमला निशानात, 4 फीसदवार। जुमला निशानात जो हैं कुल 100 मास हैं, 100 फीसदवार हैं। ये जो है असबाक पर मुमनी निशानात की तकसीम। अजीज तलबा तलबात, अब देखिए हमारी नौ बहारे अदब निसाबी किताब में कुल 8 असबाक बनाए गए हैं। इनमें सबसे पहले सबक नंबर 1 हज्जतुल विदा, सबक नंबर 2 बदायन के शाम व सहर, सबक नंबर 3 जवाला नेहरू की उर्दू दोस्ती, सबक नंबर 4 खौले फैसल, सबक नंबर 5 दृष्टि, सबक नंबर 6 सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, सबक नंबर 7 ज़फ़रान, सबक नंबर 8 तोते हिंद अमीर खुसरो। अजीज तलबा, ये जो हमारे हिस्सा नसर हो गया, तो मैं आपको आज हिस्सा नसर में 3 मास के सवालात और 4 मास के सवालात पर रोशनी डालूंगा। तो अच्छा चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, दर्ज झील सवालात के जवाब 3 या 4 जुमलों में लिखिए। बहवाला मतन जुमलों की तशरीह कीजिए। सबक नंबर 1 हज्जतुल विदा, अजीज तलबा तलबात, हज्जतुल विदा खुतबे में मुसन्निफ ने बहुत अच्छे अंदाज से इस सबक को लिखे हैं। इसमें हुस्न माशरात के मुतालिक, हुकूक के मुतालिक तमाम बातें जो है बहुत अच्छे अंदाज से इसमें पेश किए गए हैं। तो देखिए इस सबक में 5 बहवाला मतन दिए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, हम कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया। नंबर 2, ऐ खुदा तू गवारा रह। नंबर 3, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बड़ाई नहीं। नंबर 4, लोगों अमन और सुकून के साथ, लोगों अमन और सुकून के साथ। नंबर 5, जो यहाँ मौजूद है वो इस पैगाम को उस तक पहुँचा दे जो यहाँ नहीं। अजीज तलबा तलबात, ये 5 बहवाला मतन जुमलों की तशरी में मैं एक मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इन जुमलों की तशरी किस तरह करना चाहिए। हम उम्मीद कर सकते हैं, हम उम्मीद रख सकते हैं, हो सकता है इसमें से एक सवाल पूछा जाए, तो हम इस तरह लिखेंगे।
वो ये है, हम कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया। इसका जवाब इस तरह है, ये जुमला हजरतुल विदा सबक से लिया गया है। इसके मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी हैं। ये जुमला मजमू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खुदा तुमसे मेरी निस्बत पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे। तो इस तरह से आप लिखेंगे, एक पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं और नुकात बनाकर भी लिख सकते हैं। तो ये रहा पहला सबक। नेक्स्ट जो है, हम बदायूं के शाम और सहर। अजीज तलबा तालिबात, ये सबक के जो है लिखने वाले मुसन्निफा अदा जाफरी हैं। इन्होंने बदायूं शहर के मुतालिक लिखा है और अब इसमें जो है एक खुदनोश है, जिन्होंने अपनी बचपन की हालात ज़िंदगी और वहाँ की तहजीब के मुतालिक इसमें बयान किया गया है। तो बदायूं के शाम और सहर में पांच बहवाला मतन जुमले इस तरह हैं, जिसमें नंबर एक, दुख हुआ कि वो तो और भी धुंधला गया है। नंबर दो, यादों के आईने में सजी हुई हर तस्वीर हसीन भी हो जाती है और अजीज भी। नंबर तीन, अगर किसी ने इस हांडी को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा इसके खाने से। नंबर चार, इसके खाने से कोई बीमारी पास नहीं फटकती। नंबर पांच, मुठ्ठियां भर भर के ये मुकद्दस गिजा या दवा बरामद कर ली गई। तो अजीज तलवा, ये पांच में से आपको एक मिसाल के तौर पर नुकात बनाकर यहां पर लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, इसको गौर से देखें सुने। इस तरह है, इसके खाने से कोई बीमारी पास नहीं फटकती। अगर हम उम्मीद करते हैं ये सवाल अगर आ गया तो इसका जवाब इस तरह होगा। जवाब, ये जुमला सबक बदायूं के शाम और सहर से लिया गया है जिसके मुसन्निफा अदा जाफरी हैं। ये जुमला अम्मा ने किसी बात पर खुश होकर बच्चों से कहा, अपने बनाए हुए खालिस घी के हलवे का राज बताते हुए उन्होंने ये जुमला कहा। ये तीन नुकात पर जो है आप तीन नुकात बनाकर भी इसको लिख सकते हैं या एक पैराग्राफ बनाकर भी जो है आप ये जवाब लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये बदायूं के शाम और सहर के बाद जो है नेक्स्ट, अच्छा तालिबे इल्म, तो मैं आपको नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती। तो देखिए इस सबक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे हिंदुस्तान के पहले दिली लगाव था, एक सच्चे उर्दू दान थे और इसके अलावा इन्होंने इस सबक में पांच बहवाला मतन जुमले दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर एक, उर्दू या हिंदी के खतूत सेंसर वाले रोक लेते हैं। नंबर दो, अगली बार जेल गया तो तुम फकत हाय फराग रह जाओगे। नंबर तीन, उर्दू मेरी और मेरी दादी की जबान है। नंबर चार, उर्दू भला किसकी मादरी जबान हो सकती है। नंबर पांच, जोश साहब आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन अब मेरी छुट्टी हो जाएगी। ये पांच बहवाला मतन जुमलों में मैं आपको यहां एक मिसाल के तौर पर एक जवाब बता रहा हूं, तो इसको हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। उर्दू मेरी और मेरी दादी की जबान है। जवाब इस तरह होगा, जवाब, ये जुमला जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती सबक से लिया गया है। ये जुमला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उर्दू को कौमी जबान का दर्जा देने की सिफारिश की तो कांग्रेस लीडर सेंट गोविंद दास ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि उर्दू भला किसकी मादरी जबान हो सकती है। तो अजीज तलवा, आप इस तरह से जुमले बनाकर भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आपको हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें से पूछा जाए तो आप ज़रूर लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। दृष्टि,
अच्छा तो देखिए, दृष्टि के माने बसारत, नजर, बीनाई, आंखों की रोशनी, अंदाज से लिखे हैं। समाज में पाए जाने वाली बुराइयों पर भी इन्होंने अपना इजहार ख्याल किया है और समाज में कौमी एकजाती का जिक्र किया गया है। तो आइए दृष्टि में छह बह वाला मतन के जुमले दिए गए हैं। नंबर एक, धर्मों का पालन करने वालों, आज ये माँ इतने बड़े संकट में है जहां कोई भी सच्चा मार्गदर्शक नहीं रहा। भाइयों, हम माजी के खंडहरों में तारीख के आसार देख रहे हैं। नंबर तीन, खुदा एक है, हम इसके बंदे भी एक हैं। नंबर चार, फिर सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों ना बने। नंबर पांच, हमें एक होकर खून खराबे की सियासत और बेईमानी को मिटाना है। नंबर छः, जिसने तमाम उम्र औलाद को एक आंख से देखा था। तो इसमें छः ब्याह वाला मतन दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर नुकात बनाकर इसका जवाब बता रहा हूँ, गौर से देखिए। फिर सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों ना बने। जवाब, ये जुमला जोहरा जमाल के लिखे अफसाने दृष्टि से लिया गया है। इस अफसाने के मुसनिफा जोहरा जमाल हैं। इस बात को मजमे में बैठे इंद्रमती विद्याचरण जी की तकरीर से मुतासर होकर सोचती है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है तीन मास के सवालत होंगे। सालाना इम्तिहान में आपको ब्याह वाला मतन तीन सवालत आएंगे। आप मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा होगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो है तीन जरा तीन नौ मास के जो है ब्याह वाला मतन आपको अच्छी तरह से तैयारी करना होगा। अजीज तलबा तालिबात, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, इस सबक में कुल चार ब्याह वाला मतन यहाँ पर बताए गए हैं। नंबर एक, आप सहर खैज हैं, जरा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। नंबर दो, और क्या तीन बजे ही सूरज निकल आएगा। नंबर तीन, जागना नंबर एक 6 बजे, जागना नंबर दो 10 बजे, इस दौरान लाला जी आवाज दें तो। नंबर चार, मिस्टर सुबह मैंने आपको आवाज दी थी, आपने जवाब न दिया। अजीज तलबा, इस सबक में चार ब्याह वाला मतन के जुमले बयान किए गए हैं। तो इसमें से मैं आपको यहाँ पर एक तीन नुकात बनाकर जो है इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे, तो इंशाल्लाह आप जरूर तीन मार्क से ले सकते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सवाल इस तरह है, और क्या 3 बजे ही सूरज निकल आएगा। जवाब, ये जुमला फितरत बुखारी के लिखे मजाया मजबून सवेरे जो कल आंख मेरी खुली से लिया गया है। ये जुमला मुसनिफ के पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ने मुसनिफ से कहा। पड़ोसी ने मुसनिफ को रात 3 बजे ही जगा दिया था। जब मुसनिफ को सुबह के आशा दिखाई न दे तो उन्होंने पड़ोसी से सवाल किया, जिसके जवाब में पड़ोसी ने ये जुमला कहा। तो इस तरह से आप ये निकात बनाकर भी, ये स्टार की निशानी डालकर भी जो है बह वाला मतन तशरीक के जवाब लिख सकते हैं। तो अजीज तलबा तालिबात, 3 मास के लिए आपको सालाना इम्तिहान में मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम देखे हैं कि नसर निगार का तारुफ लिखिए। तो हमारे निसाबी किताब में कुल 6 नसर निगारों का तारुफ है। इन 6 नसर निगारों के तारुफ में सबसे पहले नंबर 1 सैयद सुलेमान नदवी, अदा जाफरी, नंबर 3 मोहम्मद रफ़ी अंसारी, नंबर 4 फितरस बुखारी, नंबर 5 मौलाना अबू कलाम आज़ाद, नंबर 6 जहरा जमाल। ये कुल जो है 6 नसर निगारों का तारुफ यहाँ पर है। तो मैं आपको एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि नसर निगार का तारुफ किस तरह से लिखना चाहिए। इसके लिए 3 मार्कस होंगे सैयद सुलेमान नदवी,
नाम सैयद सुलेमान नदवी, पैदाइश 1884 दसना, वफात 1953 पाकिस्तान, काबिलियतें जैद आलिम मौर्रिख महक़िक़ और बुलंद पाए नक़ाद रसाला मारूफ़ आज़मगढ़ के एडिटर। तसानिफ़ अज़ीज़ तलबा तसनीफ़ की जमा तसानिफ़, तसनीफ़ लिखी हुई किताब, तसानिफ़ लिखे हुए किताबें। तो यहाँ पर कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखे, अर्ज़ुल क़ुरान, रहमत आलम, हयात शिबली, नक़ूश सुलेमानी, खुतबात मदारिस और सीरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वगैरह। तो ये लिखे हुए इनकी किताब हैं। अगर आप इस तरह से स्टार डाल कर लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह 3 मास मिल सकते हैं। आप इसकी भरपूर तैयारी करें। और एक जो है यहाँ पर अदा जाफरी, इनका तारुफ इस तरह है, अदा जाफरी नाम अजीज़ जहाँ और अदा तकल्लुस था, अदबी दुनिया में जाफरी के नाम से मशहूर हैं। हयात, पैदाइश 22 अगस्त 1926 बदायूं शहर, वफात 12 मार्च 2015 को कराची में हुई। महारत, उर्दू की मकबूल शायरा के अलावा अच्छी नसर निगार भी हैं। शायरी मजमे, तो अज़ीज़ तलबा इन्होंने लिखे हुए दिखे, 24 बरस की उम्र में पहला शायरी मजमा इन्होंने लिखे जब इनकी उम्र 24 साल की थी। मैं सांस ढूंढती रही शाया हुआ, फिर उसके बाद गजाला तुम तो वाकिफ हो, शहर सुकून बहाना है और शहर दर्द मंजर आम पर आए। इस तरह से आप नुकात बनाकर इनका तारुफ लिखेंगे। तो ये भी जो है 3 मास के लिए अलॉट किया गया है। तो नेक्स्ट जो देखिए, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, अजीज तलबा और तालिबात, मौलाना अबू कलाम आज़ाद को कौन नहीं जानते। मौलाना अबू कलाम आज़ाद हमारे हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम। तो देखिए असली नाम मोहियुद्दीन अबुल कलाम, लकब तकल्लुस आज़ाद, 11 नवंबर 1888 मक्का मौज़मा, वफात 22 फरवरी 1958 दिल्ली। महारत, तो देखिए इनकी काबिलियत, इनके महारत क्या क्या हैं। अदबी फारसी और उर्दू जबानों में शोहरत पाई, नसरी मैदान के शह सवार और अजीम नसर निगार थे। तसानिफ, कारवान ख्याल, गुबार कातिर, तबरुकात आज़ाद, मकाति वो है अल हिलाल और अल बलाग। इस तरह से इनका मुख्तसर सा तारीफ रहा। अभी नेक्स्ट फितरस बुखारी, फितरस बुखारी का तारुफ इस तरह है, नाम सैयद अहमद शाह बुखारी, कलमी नाम फितरस बुखारी, 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर में पैदा हुए। आला तालीम लाहौर में, फिर 6 साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में तालीम हासिल की। महकमे ऑल इंडिया रेडियो में पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बने, 1940 में डायरेक्टर जनरल बनाए गए, 1955 में वे इत्तलात का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। मजा निगारी में इनका अंदाज मुनफरद है, मजमुई फितरस के मजामीन बेहद मकबूल हैं। तो देखिए अजीज तलबा तलबात, ये 5-6 यहाँ पर नुकात बताए गए हैं। इस तरह से आप स्टार डालकर भी लिख सकते हैं, इस तरह से नुकात बनाकर भी आप लिख सकते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट जोहरा जमाल का तारुफ। नसर निगार में नाम जोहरा जमाल, 1931 मुंबई में पैदा हुए। आपका पेशा तालीम था, मुतालिया इनका अहम मशगला रहा। 1970 में लिखना शुरू किया, समाजी मसाइल पर अफसाने लिखे, अफसाना दृष्टि इनकी मिसाल है। अफसाना दृष्टि में समाजी मसाइल यानी फिरका परस्ती की लानत दूर करने, कौमी एकजाती का परचम लहराने का पैगाम दिया। तो इस तरह से इनका मुख्तसर तारुफ रहा।
तो जो है हमारा ये लेसन यहाँ को ख़त्म होता है। शुक्रिया।